एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की गिरफ्तारी ने सिंध की सियासत में तहलका मचा दिया। क्या पीपल्स पार्टी, क्या तहरीक इंसाफ, सब एक ही सफ में खड़े हो गए। ये तो कमजोर पॉलिसी है सिंध हुकूमत की कि अगर पॉलिसी आपकी मजबूत नहीं, आप अपने इदारों को मजबूत नहीं कर सकोगे तो आप क्या करोगे। अपने इदारों को मजबूत करो, इनको चाहिए ना कि वो एसएसपी के किसी तरीके से एक अखबार की पट्टी या टीवी मीडिया की पट्टी के ऊपर एसएसपी को सस्पेंड करना है, ये पुलिस की मोराल को खत्म करना है, खराब करना है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सराज दुरानी का कहना है कि ख्वाजा इजहार की गिरफ्तारी सिंध असेंबली की तौहीन है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल ने भी ख्वाजा इजहारुल हसन की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। कहते हैं राव अनवार समेत कोई भी पुलिस अफसर कानून से बालातर नहीं। आज हमने जो देखा है ये काबिल मजम्मत मनाजिर थे, जिसमें हमने देखा कि राव अनवार जो है ना, उनको वारंट गिरफ्तारी दिखाने की जरूरत है, ना सर्च वारंट लाने की जरूरत है, जो मर्जी वो करते फिर रहे हैं। और उधर हम देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब ने गुस्से में एसएचओ को सस्पेंड किया, उधर वो उनके घर पहुंच के जाकर उसने ख्वाजा इजहार को उठा लिया, उसने कहा छापा क्या, मैं तुम इस बंदे को उठा के दिखा देता हूँ। मुशीर तलाद मौलाबख्श चांडियो ने सारा मलबा राव अनवार की झोली में डाल दिया। कहते हैं राव अनवार ने गलत कदम उठाया, इसीलिए मुअत्तल किया गया है।